स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम यूज ऑफ पॉसेसिव प्रोनाउन जानेंगे, जिसमें क्या होता है अर्थात सेंटेंस से किसी चीज़ पर अधिकार दिखाता है, उसको उस सेंटेंस को किस प्रकार से ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में वो जानेंगे, और अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना जानेंगे। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें ताकि आप भी इस प्रकार के ट्रांसलेशन सीख सकते हो। अभी ट्रांसलेशन सीरीज में बहुत सारे रूल हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में जो दिया गया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर आप नहीं देखें तो उसे ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, कुछ हम थोड़ा सा एग्जांपल देकर आपको समझाने की कोशिश की है। जैसे देखिए आई, आई मतलब मैं होता है, मैं। अब आई का माइन हो जाता है जब, देखिए जब मैं रहेगा तब आई, लेकिन जब मेरा रहेगा, जैसे यह कलम मेरा है, अधिकार दिखा रहा है, तो आई का माइन हो जाएगा। दूसरा देखिए वी, वी मतलब हम या हम लोग होता है। अब यहाँ पर रहेगा क्या, यह घर हमारा है, यह घर हमारा है, तो क्या होगा, आवर्स हो जाएगा, हमारा के लिए अधिकार दिखा रहे, आवर्स हो जाएगा। यू जैसे तुम लोग, तुम, आप लोग, आप, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, योर मतलब तुम्हारा। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, इससे बेहतर आप एग्जांपल से समझिएगा ये आपको समझाने के लिए। ही मतलब होता है वह, पुरुष के लिए होता है, होता है। जब रहेगा यह कुर्सी उसका है, उसका है, तब उसके लिए हिज, और सी मतलब होता है वह, गर्ल के लिए, स्त्रीलिंग के लिए। सी का हर्ष हो जाता है, और यहाँ पर नहीं लिख पाए हैं दे, दे का दियर हो जाता है, दे का दियर हो जाता है, जैसे कि वे लोग, तो उन लोगों का। एग्जांपल से ज़्यादा बेहतर समझ जाए, जैसे देखिए यह कलम मेरी है, दिस और दैट का प्रयोग जैसे सीखे थे वैसे ही सॉल्व करेंगे। यह कलम मेरी है, तो यह सबसे पहले यह का इंग्लिश होता है दिस, ये तो आपको पता होगा दिस। अब देखिए यह कलम, ये दोनों एक साथ जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, मतलब ये अकेले यह नहीं है, ये यह कलम दोनों मिलकर एक सब्जेक्ट है, तो यह कलम दिस पेन, यह कलम दिस पेन है यहाँ पर मतलब वर्तमान की बात है, तो इज। अब मेरी है, अभी आपको बताए आई मतलब मैं होता है, लेकिन जब मेरा, मेरी, मेरे मतलब अधिकार जमा दिखाए, तो उस समय माइन लगाते हैं, तो दिस पेन इज माइन। और सारा एग्जांपल से समझिए, ये कलमें मेरी है, सिमिलर था, इसमें एक कलम था, यहाँ पर बहुत सारा कलम है, तो यहाँ पर ये है, तो दीज, दीज कलमें हैं, तो एक कलम का पेन, तो बहुत सारे कलम का क्या होगा, पेंस, तो पेंस, पी एन एस, दीज पेंस आर का यूज होगा क्योंकि बहुत सारे कलमें हैं, दीज पेंस आर माइन, क्लियर। अब देखिए वे साड़ियाँ उसकी है, तो वे का यहाँ पर देखिए ये का दीज हुआ, तो वे का दौज होगा, दौज, दौज सारी है, तो सारी, साड़ियाँ है, बहुत सारा है, तो सारीज हो जाएगा, दौज सारीज आर उसकी है। देखिए सी मतलब हुआ स्त्रीलिंग के लिए, और सी का हो जाता है हर्स मतलब उसकी, तो हर्स। देखिए यह हमारा है, यहाँ पर सिर्फ यह जो है यही सब्जेक्ट है, तो दिस के साथ इज, दिस इज आवर्स। वे उन लोगों के हैं, तो आर उन लोगों का, अब उन लोगों का हो जाएगा क्योंकि दे का देखिए दीज हो जाता है, दे का, सॉरी, दे का दियर मतलब वे लोग, तो वे लोग जब रहे तो उसका हो जाता है उन लोगों, तो दीज आर दियर्स। आप अगर कहीं पर आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम फिर भी बनाएंगे इस वीडियो को। अब इसी पर देखिए इसका, इसी पर कुछ चेंज करके सेंटेंस को समझते हैं, एग्जांपल, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल जब प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा, अच्छी प्रकार से हम सीख पाएंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, लाइक कर दीजिए, और इसी प्रकार के वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दीज नहीं दौज होगा, दौज आर दियर्स, वे उन लोगों के हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर देख लीजिए इस प्रकार के सब्जेक्ट्स में, कुत्ता मेरा है, बिल्ली तुम्हारी है, चूड़ी उसकी है, गलती तुम लोगों की है, तो इस प्रकार के सेंटेंसेज में सीधा यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट के साथ दा का यूज़ करें, जैसे कुत्ता मेरा है, तो अगर इसको हम बनाते हैं डॉग है तो इज, और मेरा है तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे माइन, माइन ही लिखेंगे क्योंकि आई का सीधे माइन हो जाता है प्रोनाउन में, तो डॉग इज माइन, यहाँ पर कुत्ता मेरा है, तो इस प्रकार के सेंटेंस में दा लगाते हैं, दा डॉग इज माइन, कंप्लीट सेंटेंस हो गया। अब देखिए बिल्ली तुम्हारी है, तो दा कैट है तो इज, तुम्हारी तो हो जाएगा यहाँ पर योर्स, सीधा योर नहीं, देखिए यू का योर्स हो जाता है, योर्स,
चूड़ी उसकी है तो चूड़ी का होता है बैंगल, तो द बैंगल बी ए एन जी एल ई द बैंगल इज, अब उसकी है लड़की की चूड़ी होती है, देखिए सी सी का हो जाएगा हर्स, द बैंगल इज हर्स। अब देखिए गलती तुम लोगों की है तो गलती का होता है मिस्टेक, लेकिन हो जाएगा द मिस्टेक इज योर्स। अब चलिए इसी प्रकार के ज्वाइंट सेंटेंस समझते हैं, मतलब दो सेंटेंस एक साथ जब जुड़ा रहेगा तब कैसे ट्रांसलेट करेंगे। इस प्रकार के ज्वाइंट सेंटेंस को देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो सेंटेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब डालते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर है ना बैट मेरा है तो इसमें इज एम आर का प्रयोग होगा, लेकिन इसमें गेंद तुम्हारा, इसमें हेल्पिंग वर्ब किसी में नहीं है, तो इधर इज एम आर का प्रयोग नहीं इधर होगा प्रयोग। जैसे कि इसको सॉल्व करते हैं बैट मेरा है तो डायरेक्ट इस टाइप के सेंटेंस में दा का यूज़ करते हैं, अभी तुरंत आपने पढ़ा था, तो हो जाएगा द बैट इज माइन। अब क्या है गेंद तुम्हारा, इसमें क्या करेंगे गेंद, तो दा का यूज होगा दा गेंद का बॉल द बॉल। अब है तो है नहीं है सब्जेक्ट में, देखिए इधर है था तो इज लगा दी, इधर तुम्हारा तो द बॉल योर्स। क्लियर है, इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। बैल मेरे हैं गाय उन लोगों की, तो बैल है तो यहाँ पर सीधे द ऑक्सेन, प्लुरल में है बहुत सारा बैल है तो द ऑक्सेन आर मेरे हैं तो देखिए मेरे हैं आई का माइन हो जाता है मेरे हैं तो माइन, गाय उन लोगों की तो द काउज काउज दियर्स। अब देखिए कलम मेरी है तुम्हारी नहीं, ये और ये सेंटेंस इस सबसे हटके है, कलम मेरी है तो लिख देंगे द पेन इज मेरी है तो माइन, द पेन इज माइन तुम्हारी नहीं, तो इस प्रकार के सेंटेंस में क्या करते हैं सबसे पहले नहीं का नोट लिख देंगे, नोट तुम्हारी का योर, लेकिन योर नहीं होता है आपको पता है, यहाँ देखिए योर्स नॉट योर्स फुल स्टॉप। अब देखिए यह पुस्तक मेरी है तो इसको पहले बनाते हैं, यह पुस्तक मेरी है तो दिस बुक इज माइन। अब तुम्हारी नहीं तो सबसे पहले नॉट का नॉट योर्स। क्लियर है, इस प्रकार के सेंटेंस को देखिए किस प्रकार से हमने सॉल्व किया है। अब जो सेंटेंस बचा हुआ है इसी में, अब वो हमारा जो है अभी तो हमने पढ़ा है ये वर्तमान काल की प्रेजेंट टेंस में पढ़े हैं, अब पास्ट में जब यहाँ पर है तो इस प्रकार से इज एम आर लगाए, जब था रहे तब, ये लास्ट इसके बाद जो हम सेंटेंस पढ़ेंगे वो लास्ट सेंटेंस है, उसके बाद वीडियो ख़त्म हो जाएगा, तो आप लाइक कर दीजिए। तो चलिए अगला सेंटेंस समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए यह मेरा था है, चूड़ियाँ उसकी थी, उसके कपड़े फटे थे मेरे नहीं, सॉल्व करते हैं बिल्कुल आसान है, यह मेरा था तो दिस, लेकिन था है तो वाज होगा दिस वाज, मेरा था तो माइन, चूड़ियाँ उसकी थी तो चूड़ियाँ उसकी थी तो हो जाएगा द बेंगल्स बेंगल्स था थी तो वेयर वेयर उसकी, देखिए सी का हर्स हो जाता है तो हर्स। अब देखिए है उसके कपड़े फटे थे, उसके कपड़े फटे थे तो हिज हिज कपड़े क्लॉथ्स क्लॉथ्स वेयर फटना का टॉर्न होता है टॉर्न, मेरे नहीं यहाँ पर लिख देंगे नॉट माइन। क्लियर है, तो इसी प्रकार के सेंटेंसेस के लिए हम इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इसी प्रकार से आप वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए।